उन्होंने टाइमों के कोई खालिस्तान की भी गल होंगी सी, क्योंकि कहा जाता है कि कोई ये कह दिता है कि पिंडर वाले खालिस्तान मंगते सी, कोई कहता कि नहीं मंगते सी। जो पिंडर वाले के मसले तक आप पहुंचीए तो 84 तो पहला यहोजा की वापरता कि जरा सरकार भी उन्होंने एंटी तक हो गई। जो नरकधारी है ना, नकली निरंकारी है, ये सिख पंथ के दखलअंदाजी कर रहे थे। मतलब भाई पटेल जो होम मिनिस्टर है हिंदुस्तान का, वो एक सर्कुलर जारी करता है, सर्कुलर जारी करके सिख कौम जराइम पेशा करार दे देता है और सारे डीसीज लिख के भेजता है जोड़े सिखा बाकी कम्यूनिटी नालों खास करके जी हिंदू भाईचारे अड्ड रखा जाए। तो महात्मा गांधी ने बोलदा कहा तो मेरे च परमात्मा साखी है कि जे अजिहा खोया ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਣ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣੇ ਚਾਹੇ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆਹ ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧੋਖਾ। सत श्री अकाल जी, D5 चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ सुखविंदर सिंह। शहीद संत जरनैल सिंह पिंडरांवाले जिन्हां दी शख्सियत दे उत्ते कई तरह के विरोधी सवाल चुकते ने, 1984 दे विच की कुछ वापरिया सीगा, क्यों जिहड़ा दरबार साहब ते अटैक किया गया, संत जरनैल सिंह पिंडरांवालियां दे उत्ते हिंदू जिहड़े लीडर ने कई उह सवाल चुकते ने कि वो जिहड़े हिंदू विरोधी सन। इन्हां सारे सवालों के जवाब असी आल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन के आगू जिहड़े उस वेले साबका मीत प्रधान सन, उन्हां समयां दे विच स्टूडेंट फैडरेशन की जिहड़ी वागडोर इन्हां दे हत्थां दे विच सीगी, ते भाई अमरीक सिंह जिहड़े शहीद होए सी सन जरनैल सिंह पिंडरांवालियां दे नाल, उन्हां दे साथी रहे ने। इस वेले मौजूदा समय दे विच अकाली दल टकसाली दे सीनियर आगू ने साढ़े नाल मौजूद ने, गुरसेव सिंह हरपालपुर। उन्हां तों जाणांगे कि किस तरह संत जरनैल सिंह पिंडरांवालियां दी शख्सियत सी, क्योंकि उन्हां नूं मिले सन, उन्हां दे नाल रहे सन, इन्हां दी गिरफ़्तारी हुई, तशद्दद होया। उन्हां दा स्वागत कर लैंदे आ D5 चैनल पंजाबी ते जाण लैंदे आ कि किस तरह दा वाकया उस वेले इन्हां ने अपना अखीं देखिया। पहला तो मैं D5 चैनल के स्रोतियां नूं प्रबंधकां नूं फतेह बुलाउंदा, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिथों तक हिंदुस्तान दी या इंडियन स्टेट नूं हरिमंदर साहब ते हमला करन दी जरूरत क्यों पै गई, इहदी कहानी है। असल दे विच हिंदुस्तान दी आज़ादी तो ही जिहड़े हाकम सी हिंदुस्तान दे हाकम बन गए, बनाए तां भावें असी हैं, साडे पुरखियां ने कुरबानियां वड्डियां असी कीतियां। जेकर कुरबानियां दी मैं गल वी पहलां करां, बई साडियां कुरबानियां बहुत वड्डियां हिंदुस्तान आज़ाद कराउण वास्ते। इन्हां दा डॉक्टर ਭੱਟਾ ਭਾਈ ਰਮਈਆ, ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। 121 ਕੁੱਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, 93 ਸਿੱਖ, ਔਰ 2447 ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2146 ਸਿੱਖ ਅਤੇ 166 ਬਜਬਜ ਘਾਟ 'ਚ ਉਤਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 122 ਸਿੱਖ ਅਤੇ 20,000 ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 80% ਸਿੱਖ, 91 ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧੋਖਾ ਫਰੇਬ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਔਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਦੇ ਹੈ, ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀਜ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਨਾਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰ ਤਾੜ, ਚੋਰੀ, ਡਾਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ।
सानू जरैम पेशा खिताब दे दिता जाता पहली पहला धोखा तो साढ़े इत्थे हो जाता और जो हिंदुस्तान की आजादी तो पहला इन्हों का 29 अजलास हों कांग्रेस का यह साढ़े वादा करते साढ़े पुरखियों नाल भाई हिंदुस्तान के उत्तर अजिहा किया दिता जाएगा जिसे सिख आजादी का निघन माण सकणगे। और महात्मा गांधी ने 1931 गुरद्वारा सीसगंज बोलदिया कहा सिखा ने थोड़ा शंका जाहिर किया भी कित ऐसा तो नहीं होगा असं कुरबानियाँ कर रहे हैं हिंदुस्तान आजाद होने तो मगरों तुम सानू फटा बनता थान ना दो तो यह महात्मा गांधी ने बोलदिया कहा तुहाडे ते मेरे च परमात्मा साखी है कि जे अजिहा खोया तां कांग्रेस अपने ते देश दे बर्बादी लई आप जिम्मेवार होएगी और सिख बहादुर कौम है ये अपने हक कृपान चुक के लैण जाणदी है। सो इस तों 46 च जवाहर लाल नहरू कलकत्ते बोलदिया कहिंदा भी हिंद जिहड़े पंजाब दे सिख बहादुर उहदे धारनी है विशेष महत्ता दे धारनी है भाई मैनू कोई इस गल च आपत्ति नहीं जे हिंदुस्तान दे उत्तर च इहनां नूं अजिहा किता दिता जाए जिथे इन्हों का जोड़ा खून है वह भी गरमा सके तो आजादी का निघ माण सकन। इन्ना कुछ होने के बावजूद आजाद हो जो देश हो जाए सानू जरैम पेशा कौम करार दिता जाता है और साढ़े आगू उस वेले साढ़े पुरखे श्रोमणी अकाली दल सिखा की नुमाइंदा जमात से असी अपने साढ़े पुरखिया ने साढ़े आगुआ ने साड़ी अकाली दल जी साड़ी जमात सी उन्होंने इन्हों तो अपने हक मंगने चाहे। मास्टर तारा सिंह ने कहा कि तुसी वादे किते सी ता महात्मा गांधी साहब कहिंदे आ भी मास्टर जी अब वक्त बदल गया और बोलिए और क्या चाहिए और वही महात्मा गांधी जिहड़े कहिंदे सी मैं परमात्मा नूं साक्षात जान के हाँ सिखां दे हक दी गल करदे सी ते बाद दे विच मुकर इह सारे मुकर गए। उस तों मगरों असीं ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਿਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਰਿਹਾ ਚੇਤਨ ਹੈ ਸਰੋਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਰਾਜ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਹੰਦ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ और लाहौर के तख्ते भी किया है खालसा राज होया स्थापित किया सिखा ने 3 बार साढ़े को राज गया सी ते असी राज भाग मानना चाहते सी पर ना दिता गया तो असी उस ही सोचते रहे साढ़े पुरखे कि जेकर पंजाब नूं वध अधिकार मिल जाण असी इसे च गुजारा कर लाँगे जे कदे हिंदुस्तान दे विच बोली दे आधार ते सूबे बन गए पंजाब दे विच जिहड़ा पंजाब सूबा पंजाबी सूबा पंजाब ये नहीं सी बनिया सिखां लई कोई विशेष सूबा नहीं सी बनिया सिखां नूं कुरबानियां करनियां पईआं जेलां 'च जाणा पिया और घर घर जब्त करवाउणे पए फिर कितें पंजाबी सूबा बनिया यानी कि अपने हक लैण वास्ते जंग करना पिया अपनी कोई अजिहा हिंदुस्तान 'च सूबा नहीं जिहनूं बोली दे आधार ते बनाउणा पिया होवे जिस दे लोकां नूं अपने मात भाषा नूं उत्थे जवान बनाने लई संघर्ष करना पे। गुरसेज सिंह जी उस तो बाद आजादी जो इन्ना कुछ होया मतलब कि वो अंदरों अंदर सुलग रहा है सारा कुछ कि सानू साडे हक्कां दी जरूरत है उन्हां टाइमां दे विच कोई खालिस्तान की भी गल हुंदी सी क्योंकि कहा जाता है कि कोई ये कह दिंदा है कि पिंडरां वाले खालिस्तान मंगदे सी कोई कहिंदा कि नहीं मंगदे सी जदों पिंडरां वाले दे मसले तक आपां पहुंचीए तां 84 तों पहलां इहो जिहा की वापरदा सी कि जिहड़ा सरकार भी उन्हां दे एंटी तक हो गई सी। देखो जिथों तक संत जरनैल सिंह पिंडरां वाले दे मंगण दा सवाल है संत जरनैल सिंह होरां ने संत पिंडरांवालिआं ने इन्हां दा तां केवल तो केवल धर्म प्रचार करन दा अमृत संचार करन दा और सिख हक्कां लई खड़न तक ही सीमित सी संत जरनैल सिंह होरां दा उन्हां दा जिहड़ा प्रोग्राम सी क्योंकि जिहड़े नरकधारी है ना नकली निरंकारी है इह सिख पंथ दे विच दखलअंदाजी कर रहे सी इन्हां ने एक अवतार बाणी शुरू कर ली और गुरु ग्रंथ साहिब दे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के खिलाफ़ बोलना विरुद्ध प्रचार करना शुरू करता। इस तो पहला संत करतार सिंह खालसा पिंडरांवाले जिहड़े पहले मुखी सी उन्होंने उन्होंने खिलाफ़ प्रचार आरंभ करता सी संत करतार सिंह होरां ने और उस तो मगरों की हुंदा है जदों अकाल पंजाब दे विच सरकार अकाली दल दी है मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल है
13 अप्रैल 1978 उत्थे अमृतसर शहर दे विच इन्हां ने अपना जलसा रखिया नरकधारियां ने उहदी परमिशन दे दिंदे आ सरदार प्रकाश सिंह बादल CID दे इंटैलीजेंस दे किसी DIG ने कहा कि खतरा हैगा सिखां ते नरकधारियां नकली निरंकारियां दा आपसी झगड़ा हो सकता है तो प्रकाश सिंह बादल इस गल दा ध्यान नहीं करते वो कहिंदे कोई ऐसी गल नहीं होगी मैं असीं आपे संभाल लवांगे उहनां नूं इजाजत दे दिंदे आ उहनां दा बादल साहब दा इह इजाजत देना टोटली गलत सी क्योंकि एक तो 13 अप्रैल जिहड़ा है 13 अप्रैल नूं खालसा पंथ दी साजना होई है सिखां दा पवित्र दिहाड़ा वड्डा फिर अमृतसर शहर है सब तो वड्डा जिहड़ा पवित्र शहर है जिहदी पवित्र शहर करार दवाउण दी मंग करदा रिहा पंथ अकाली दल टकसाल संत जरनैल सिंह वो शहर है गुरु रामदास पातशाह दा वसाया होया पवित्र दिहाड़ा भी साडा वड्डा शहर भी साडा ते साडे खिलाफ़ कोई साडे घर आके ललकारे मारे गालां कढे ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਲਸਾ ਰੱਖ ਲਿਆ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਥਾ 25 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਬਈ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਸੋ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ 10 ਬੰਦੇ ਜਾਣੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ 150 ਵੈਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਕਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਔਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਚਨਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਬਦਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ 64 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਰੀ ਕਰਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੋਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਕਾਨਪੁਰ ਬਕਾਰੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਹੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜਨੂਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਨਕਲੀ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹੁੰ ਖਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਬਚਨੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੋਲੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੜੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਨਰਵਾਣਾ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1973 'ਚ ਮਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਮਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਹੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਧੁੱਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਕੁ ਮੰਗਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗਾਂ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਗਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਲਵੇ ਡਾਕਤਾਰ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਮਹਿਕਮੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ
फिर आनंदपुर साहब के मते दे विच है अमृतसर शहर नूं पवित्र दर्जा करार दिता जाए, हरिमंदर साहब दे विच शक्तिशाली ट्रांसमिशन लाउण दी परमिशन दिती जाए, जिवें बनारस तो भजन गायन लगातार हुंदा सी हरिमंदर साहब तो भी होवे, सिख आवाम भी सिख संगत भी शब्द कीर्तन सुन सके, और सचखंड गोल्डन टैंपल एक्सप्रैस दा नाम रख्या जाए जिहड़ी बंबे नूं चलदी है अमृतसर तो। ते ए धार्मिक मंगा सी कि इत्थे बीड़ी सिगरट दियां तंबाकू दियां दुकानां अमृतसर दे विच शहर चों बाहर निकल चलियां जाण, ये धार्मिक मंगा ही पहली गल। तां फिर पंजाबी बोलदे इलाके सी जिहड़े साडा पंजाब है लंगड़ा बनाता, ते जिहड़े पंजाबी बोलदे इलाके है हरियाणे विच है कुछ कुछ हिमाचल च ने, उहनां नूं पंजाब च शामिल किया जाए। चंडीगढ़ जिहड़ा है वह पंजाब के पिंड उजाड़ के वसाया होया, चंडीगढ़ पंजाब के हवाले किया जाए। इस तरह दी मंगा 45 मंगा है, और खेडां दे विच सिखां दी फौज दे विच भर्ती किहो जी होवे, खेडां विच किवें होण, काफ़ी कुछ है जिहड़ा वह छोटी छोटी जिहड़ी धरती 45 मंगा दा उहदे विच विस्तारित मंगा है। उहदे विच इह क्योंकि सिखां दा जिहड़ा ना हमेशा उहदे विच इक यह भी है कि जिहड़ा सिख है हमेशा वह राज करेगा, खालसा जिहड़ा संकल्प है वह सुबह शाम अरदास चलेंदा है, उहदा जिहड़ा तां कि सिख इत्थे आजादी दा निघ माण सकण ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਬਲਵੰਤ ਟੱਟੂ, ਸੁਰਜੀਤ ਬਰਨਾਲਾ ਔਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ 100% ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮਸ਼ਿਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਵੇ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਨੈਗਟਿਵ ਔਰ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਔਰ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ, ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਰਕਧਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਗਬਾਣੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜਲਾ ਵਤਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਸੰਤ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭਾਵਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਇਜ਼ਤੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਇਜ਼ਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ 1984 ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਕੀ ਸੰਦਰਭ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ? ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਹੈ ਪਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਵੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਸਾਧ, ਸਾਧ ਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਹੁਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀ
लोगों दियाँ धियां वसाउण दे हक सी, दाज दहेज ते वो खिलाफ सी, हर एक धर्म दे वो दा सत्कार करदा सी। वो अलानिया कहिंदा सी वी हर सिख सच्चा सिख बने, हर मुसलमान सच्चा मुसलमान बने, हर हिंदू सच्चा हिंदू बने, पखंडी ना सिख बने ना मुसलमान ना हिंदू, पखंड करने वाला ना सच्चा सच्चा बने अपने अपने धर्म च हर एक जिहड़ा परपक्क होवे। वह सिखां नूं सदा दिंदे सी तुसीं सिखां दे घर जमे हो, सच्चे सिख बन के रहो। और नौजवानों उन्हां दी जिहड़ी अपील का असर भी बहुत वड्डा होया सी। जेकर संतां दे मैं तुहानूं उहनां दे शख्सीयत दी गल दसां, बटाले रमैण सड़ गई, संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वाले ने आप रमैण मंगवा के दित्ती उत्थों हिंदू भाईचारे के लोगों। गुरदासपुर जेल के संत करतार सिंह के नज़दीकी संत जरनैल सिंह उन्होंने नज़दीकी साथी बाबा थारा सिंह और अमरशीद भाई मरीक सिंह जेल जाना पै गया। दोवां ने अपने कोलों उस वेले 5000 रुपया भाई मरीक सिंह ने अपने जेल अपने कोलों खर्च के गुरदासपुर जेल च मंदिर बनाया गुरद्वारे दे नाल। एक किसी हिंदू की लड़की सी जलालाबाद फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट चो, उन्हें अगवा कर लिया गया सैलर वाले ने। और संत जरनैल सिंह पिंडर वाले मंजी साहब दीवान हाल च बोल रहे थे, वो हिंदू वीर गरीब से उत्थे रोंदा गया, उन्हें कहा मेरी धी अगवा कर ली। संत जरनैल सिंह और ने महिंद्र सिंह साईं वाले की ड्यूटी लाई और कहा भी शाम तक जी ये बरामद करा के दे, शाम तक जी उन्होंने लड़की जी है वह हिंदू भरा दे घरें वापस लेके आँदी तो घरें वसाई बचाई। अजिहियां अनेक उदाहरण ने, किसी वीर की दुकान सड़ गई, चंद्र शेखर समथिंग ऐसा कोई नाम से अमृतसर शहर का, पुलिस ने या विरोधियों ने कहा तू पिंडर वाले का नाँ रख दे भी उन्हें साड़ी है या उन्हें सड़वाई है। उन्हें लोगों की गल नहीं मनी, वो 5-7 सज्जन नाल लेके उहदे कोल संतां कोल गया कि भी मेरी इस तरह करके दुकान सड़ गई, भाई हुण मेरा नुकसान काफ़ी हो गया, भी जेकर तुसीं कहिंदे भी हाँ कि तुसीं की चाहुंदे हो, कहिंदे मैं तो यह कहना है भी जेकर तुसीं मेरी थोड़ी बहुत मदद कर दो कुछ मैं लोगों का करा के अपनी दुकान बना ला। तो संतां ने उन्हों पुछ के भी किन्नी क मदद चाहुंदा, जिनी उन्हें आस रखी उस तो ज़्यादा संतां ने उहदी झोली च पा के उन्हों उत्थों पूरे सत्कार नाल तोरिया। यानी कि अजिहियां एक उदाहरण नहीं, बहुत सारिया ऐसिया उदाहरण है जिहड़ियां संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वाले ने हिंदुओं के हक च। अगली गल मैं तुहानूं एक होर दसां, जिहड़ी गल करदे ने हिंदुओं नूं मरौंदा सी, कोई घड़ा बनाया हो घड़ा से परचिया कढ़ता सी, इह वाहियात गल है, बदनाम करन लई गल है, टोटली गलत गल है। तो उन्होंने सब तो पहला दरबारा सिंह दा दे राज विच 8 बंदे मारे गए बस चो कढ गए, सब तो पहला वह बंदे 8 मारे, 8 या 6 बंदे मारे सी जदों दरबारे की सरकार डेगी सी कांग्रेस की सरकार। तो उस दिन संत जरनैल सिंह ने बड़ा मतलब ठोक बजा के इस गल का खंडन किया, निखेधी की सी बई साडा हिंदुओं को मारन का कोई साडा प्रोग्राम नहीं। अगली गल एक कहिंदे भी उन्होंने बोलने की गल करते भी संत यूँ कहिंदे सी भी तुहानू 35 आउंदे आ, संतां ने क्यों कहा उहदा एक पक्ष तां वेख लिया। इंदिरा गांधी ने भाषण करदिआं कहा भी संत जरनैल सिंह पिंडरांवाला जायतियां करदा है बई जिहड़े सिखां दा उहनूं ते उह हिंदुओं के ज़्यादा अत्याचार करदा है, झूठ बोल रहे सी उह। ते कहिंदे तुहानू पंजाब तो बाहरले सिखां दा ध्यान रखना चाहिए कि भी पंजाब के बाहरले सिखां दा की बनेगा। तो संतां ने दवा इत्थे मंजी साहब दीवान हाल तो बोलदिआं उत्थे कहा सी कि बीबी इंदिरा नूं साढ़े इतिहास वल झात मारनी चाहिए है, भई जिहड़ा सिंह है 125,000 नाल लड़े है, 125,000 नाल लड़े, हिंदुस्तान की आबादी का अंदाजा ला के 70 करोड़ सी, जे कहिंदा असीं 2 करोड़ तां 35-35 कले कले नूं आउंदे है। ये शब्द उहदे प्रतिकर्म च, इंदिरा गांधी के प्रतिकर्म च संत जरनैल सिंह उन्होंने ये शब्द बोले सी, ना कि वो कहिंदे भी हिंदुओं नूं वढ़ दो हिंदुओं नूं मार दो। ये गल टोटली गलत है, वो इंसाफ पसंद सी, धर्म के राखी सी, सिख हकां जिहड़ी है मर्यादा ते पहरा देण वाला सी, और सिख नौजवानों नूं लामबंद करन लई उह यतनशील सी कि अपने जिहड़े वादे हिंदुस्तान की आजादी वेले कांग्रेसी नेतावां ने किए है उन्हां नूं याद कराउंदा सी नौजवानों नूं भी साडे नाल इत्थे 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 धोखा होया, इत्थे इत्थे धक्का होया, नौजवानों लामबंद होवो इकट्ठे हो। ये नौजवानों ते असर होया, सारा नौजवान जिहड़ा सी उस वेले दा यूथ पहला CPM CPI ASI AISF ये जथेबंदियां च सी, कामरेड बने हुए सीगे, वो लाल सलाम करते लाल झंडा चुकी फिरते। संत जरनैल सिंह पिंडरां वालियां दे
प्रचार का अजिहा उन्होंने शख्सीयत का प्रभाव ऐसा पिया सारा यूथ जरदे खाने छड़ के नशे त्याग के गात्रे कृपाणा पा के और बोले सो निहाल दे नारे जकारे लाउंदा झूलते निशान रहे पंथ महाराज के देके ये जकारे लाउण लग पिया। ये संत जरनैल सिंह भिंडराणा की जिहड़ी शख्सीयत का जिहड़ा प्रतख प्रमाण है एड्डी वड्डी जिहड़ा उन्हां दा मतलब संतां दी हर गल जेकर कुलदीप नैयर वर्गे राम जेठ मलानी वर्गे कानूनदान वड्डे वड्डे डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला वर्गे होर भी बहुत सारे जिहड़े सीगे अपने की कहने इन्हां दे हिंदू धर्म दे मुखी धार्मिक मुखी आए उन्हां कोल हर एक बंदे दी संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने इदां बिठा के तसली करा के भेजा। जिहड़े उन्हां नूं खूंखार कहिंदे रहे अतवादी कहिंदे रहे सामने बैठ के उन्हां नूं संत लई मनण लई मजबूर हो के गए है वी बिल्कुल तुहाडियां। उह कहिंदे वी जे तां तुसीं मेरियां मंगां नाल सहमत हो फिर मेरे हक च कहो। सामने कहिंदे जो कहिंदे वी हक इन्ना ही प्रैस च बयान दिओ। प्रैस च कहिंदे बयान तां नहीं दे सकदे। हुण संत इस गल्लों गिला करदे सी वी वेखो मेरियां गल्लां नाल सहमत हुंदे है जदों मैं कहना भी जे तुसीं जे मैं सच्चा है तुसीं कहो भी मैं सच्चा है तो हर एक बंदा मजबूरी कहिंदा भी भाई साडी मजबूरी है। सो जिहड़ा इंडियन स्टेट है ये बेईमान सी हमेशा बेईमान रही है। इन्होंने सिखां नूं रगड़ के दबा के जबर जुल्म करके राज करन दी ठाणी सोची हुई है भी केवल यह एक जमात है ये एक अजिही कौम है जिहड़ी अपने हक्कां हितां लई सुचेत है ते लोकां नूं सुचेत करदी है। कारण सब तो वड्डा कारण यह होया हरिमंदर साहब ते हमले का कांग्रेस जिहड़ी है नुमाइंदगी करदी सारे हिंदुस्तान की ते यह नुमाइंदगी करन करके उह सिखां नूं सबक सिखाउणा चाहुंदी सी। एमरजेंसी लगदी है हिंदुस्तान सारे दे विच सारी हिंदुस्तान की विरोधी पार्टियां नूं गिरफ़्तार कर दे आगूआं नूं गिरफ़्तार कर लिया जांदा है जेलां 'च सुट दित्ता जांदा है। हुण दे लीडर तां बेईमान हो गए पहलां तां लीडर अजे पंथ प्रस्त सीगे हुण तां बहुत ही बेईमानी आ गई ना। ते उह जिहड़े हक सच दी जिहड़ी आ इनसाफ दी गल सारे अकाली आगू करदे रहे आ क्योंकि बाबे नानक ने सानू मनुखी हक्कां लई जागरूक कीता भी हक पराया नानका उस सुअर सुगाए ये सारा कुछ कह के ते सिख हमेशा सुचेत रहे अपने हक्कां प्रति। यह मोर्चा ला देंदे आ अकाल तख्त तों एमरजेंसी के खिलाफ। असी हरपालपुर साहब ये उत्ते भी गलबात करांगे। तुसीं सुनिया कि संत जरनैल सिंह भिंडरांवालियां दी शख्सियत किस तरह की सी किस तरह वो हिंदुओं के पक्ष दे विच उन्हां दी मदद करदे सीगे जे कोई लोड़वंद उन्हां तक पहुँचदा सीगा। 1947 तो पहला की कारण बने कि सिख जिहड़ी सिख कौम है जिहड़ी उन्हां दे नाल जिहड़ी सरकार दी नहीं बनी किवें दीआं मंगां सी उह तुहानूं इन्हां ने दसियां सरदार गुरसेव सिंह हरपालपुर हुणां ने कि पंजाबी सूबा लैण दे लई आनंदपुर साहब दे मते नूं लै के सरकारां तक जिहड़ी है पहुँच कीती। राजीव गांधी दे नाल समझौता भी होण जा रिहा सीगा पर कुछ कारण अजिहे रहे जां कह लो कि सियासी तौर ते जिवें कह रहे ने कि मुख मंत्री दी कुर्सी दे पिछे जिहड़ा उह समझौता जिहड़ा उह सिरे नहीं चढ़ सकिया इन्हां ने बड़े विस्तार दे नाल दस्सिया। असीं अगले भाग दे विच सरदार गुरसेव सिंह हरपालपुर हुणा तों यह जानने की कोशिश करांगे जिवें उन्होंने दस्सिया कि एमरजेंसी लगी एमरजेंसी दे दौरान जिहड़ा आ उस तों बाद उस दा विरोध होया किवें अकालियां दीआं जां होर जिहड़े सिख आगू ने होर जथेबंदियां उन्हां दीआं गिरफ़्तारियां होईयां 1 जून नूं इह कित्थे सी उस बारे भी असीं गलबात करांगे अगले भाग दे विच। सो इत्थे सानूं इजाज़त दिओ धन्नवाद। T5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो बैल आइकन ते क्लिक करो।